students, today we are going to discuss law of conservation of momentum. In this video, we derive the formula of law of conservation of momentum and discuss about law of conservation of momentum and momentum. We first start about talk about momentum. What is momentum? Momentum basically hota kya hai? The total amount of motion contained in an object is called momentum. Kisi bhi object के अंदर कितना मोशन है, टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है वो जब मोशन करता है, ठीक है, उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन है उसे हम बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को बेसिकली रिप्रेजेंट करते हैं पी से, किससे रिप्रेजेंट करते हैं पी से, स्मॉल पी से। अब जैसे कि स्टेटमेंट है द टोटल अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मोमेंटम, और मैथमेटिकली ही कैन स्टेटेड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, पी इज इक्वल टू एम वी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मतलब बेसिकली जो मोमेंटम होता है उसको दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, एक मास दूसरा वेलोसिटी। मोर विल बी द मास और मोर विल बी द मोमेंटम, मोर विल बी द वेलोसिटी मोर विल बी द मोमेंटम। दो ऑब्जेक्ट्स हैं सेम वेलोसिटी के से मूव कर रहे हैं, उनका मास डिफरेंट है, मोमेंटम हमेशा किसका ज्यादा होगा, जिसका वेलोसिटी ज्यादा। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं सेम मास के वेलोसिटी डिफरेंट है, एक तेजी से मूव कर रहा है एक स्लोली मूव कर रहा है, तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अब दो ऑब्जेक्ट है जिनकी वेलोसिटी सेम है और जो मास है वो डिफरेंट है, एक का मास ज्यादा है एक का मास कम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी मोमेंटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि मास और वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या देता है आपको, मोमेंटम। अगर मास इंक्रीज होगा तो मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज, इफ वेलोसिटी विल इंक्रीज मोमेंटम विल आल्सो इंक्रीज विद द सेम रेट। अगर आप मास को ट्वाइस कर देंगे तो मोमेंटम भी ट्वाइस हो जाएगा, वेलोसिटी को थ्री टाइम्स कर देते हैं मोमेंटम भी थ्री टाइम्स हो जाएगा। अगर ये इंक्रीमेंट आप दो में लगा देते हो टोटल इंक्रीमेंट 60 का आएगा और ये हो जाएगा 2m 3 दैट इज इक्वल टू 6mv 60 t इज इक्वल टू m, ठीक है। जिस वेक्टर से मास इंक्रीज होता है उसी वेक्टर से मोमेंटम इंक्रीज होता है, जिस वेक्टर से वेलोसिटी इंक्रीज होती है उसी वेक्टर से मोमेंटम इंक्रीज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम इन अ सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। किसी भी सिस्टम के अंदर जितना मोमेंटम रहेगा उतना ही मोमेंटम बांध रहेगा, उसमें कुछ भी लॉस नहीं होगा कुछ भी इंक्रीज नहीं होगा, बस इस ये अप्लाई कब होता है जो जो सिस्टम हो वो कैसा हो, आइसोलेटेड सिस्टम। व्हाट टाइप ऑफ सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम विल आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। आइसोलेटेड सिस्टम कैसा सिस्टम होता है, जिस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स वर्क नहीं करता, मतलब कि जितना ना तो किसी भी एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट उस सिस्टम में होगा, ना अंदर वर्क करने वाली किसी फोर्स का कोई इफेक्ट बाहर के सराउंडिंग से कोई उसका इफेक्ट होगा। ये एक आइसोलेटेड सिस्टम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होते, लेकिन हम जब न्यूमेरिकल ड्राइव करते हैं या फिर न्यूमेरिकल क्लास करते हैं तो कंसिडर करते हैं एक आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, जीरो। बेसिकली आप बात किसी भी समझ सकते हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं वर्क करती, उसमें एनर्जी लॉसेस क्या होते हैं, जीरो। एनर्जी लॉस विल बी जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करेंगे, मतलब कैसे हम ये प्रूव करें कि इनिशियल मोमेंटम किसी भी सिस्टम का और फाइनल मोमेंटम सेम होगा। उसको प्रूव करने के लिए हम डेरिवेशन किसका करते हैं, हम कंसीडर करते हैं दो बॉल्स, एक बॉल ए इसका मास है m1, एक बॉल बी इसका मास है m2, वो दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये एक सर्फेस है सिस्टम, ये ऊपर
परफेक्टली स्मूथ सरफेस पर मूव कर रही है, मतलब एक बॉल हमने स्लाइड आउट की इस डायरेक्शन में, दूसरी बॉल दूसरी दिशा में स्लाइड आउट कर रही है और दोनों का मास अलग अलग है, इसका मास है m1, इसका मास है m2 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है u1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2, इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखिए बॉल ए, एक बॉल थी जिसे हमने किसी भी डायरेक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोल ऑन कर दिया, ठीक है, उसका मास होगा वो किसी वैल्यू, जब वो मूव कर रही है तो वो किसी रेट से मूव कर रही है और उस रेट जो उसकी वेलोसिटी थी वो क्या थी u1, वेलोसिटी थी u2। अब क्या हो रहा है कुछ टाइम बाद ये दोनों बॉल है एक दूसरे से टकरा जाते हैं, कोलिजन हो जाता है, दोनों बॉलें एक दूसरे से टकरा जाती है, एक बॉल आगे जा रही थी दूसरी बॉल आगे पीछे से उसे हिट कर रही थी, तो ये बॉल ए बॉल बी को हिट कर देती है, एम टू ए एम वन। अब सबको पता है अगर बॉल पीछे से हिट करेगी, आप ये प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं, अगर एक बॉल है उसके पीछे से एक बॉल हिट करती है तो आगे वाली बॉल होगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी और जो पीछे वाली बॉल जो सिस्टम से हिट किया था उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी डिक्रीज होगी, तो मतलब इस बॉल ने इस पर कोई फोर्स लगाया होगा, जब इस बॉल ने इसे हिट किया पीछे से तो इस बॉल पर कोई फोर्स लगाया होगा, तो इसने इस बॉल पर कितनी फोर्स लगाई एफ ए, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय बॉल ए। अब इस बॉल ने इस बॉल पर फोर्स लगाई तभी तो पीछे की डायरेक्शन में मूव किया और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन भी है, इक्वल रिएक्शन दे रहे थे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, मतलब बॉल बी ने भी बॉल ए पे एक फोर्स लगाई होगी जिसकी मैग्नीट्यूड एफ ए के बराबर होगा पर डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट एफ बी, माइनस साइन लगा देते हैं ये डिनोट करेगा कि डायरेक्शन अपोजिट है मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे पर डायरेक्शन में अपोजिट, मतलब ए ने बी पर जो फोर्स लगाई होगी एफ ए और जो बी ने जो ए पर फोर्स लगाई होगी एफ बी। अब उस फोर्स को लगने से क्या हुआ, अब हमने देखा फिर बॉल ए थी मास m1 वाली उसकी वेलोसिटी कितनी होगी v1 और जो बॉल v थी उसका मास था m2 उसकी वेलोसिटी हो गई v2, उसकी वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है, एक आइसोलेटेड सिस्टम था जो दो बॉल सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी, इस बॉल का मास था m2 उसकी वेलोसिटी थी u2, इस बॉल का मास था m5 उसकी वेलोसिटी थी u1, आफ्टर सम टाइम कोलिजन होता है दोनों बॉल आपस में टकरा जाती है, एक बॉल की बॉल पे फोर्स लगाती है एफ ए और बी बॉल बी बॉल पे फोर्स लगाती है एफ बी, जो सेम मैग्नीट्यूड की होगी पर डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट। अब जब ये फोर्स लग जाती है तो उसके बाद फोर्स लगने की वजह से इन दोनों में तो वेलोसिटी में चेंज आया, इसकी वेलोसिटी को बी वन इसकी वेलोसिटी हो गई बी टू, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल ए सेम जरूर कर लेंगे ए से क्या होगा मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा कांस्टेंट वेलोसिटी ए बॉल का मास क्या था m1 इनिशियल वेलोसिटी थी u1 तो इसका इनिशियल मोमेंटम बॉल ए का क्या हो गया m1 u2, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल बी टी बी का रिपोर्ट कर लेते हैं, इसका मास था एम टू इनिशियल वेलोसिटी एम वन यू वन। अब बात करते हैं इसके आफ्टर कोलिजन, ठीक है, फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ए इसे हम पी ए डैश रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये हो जाएगा एम वन बी वन फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉल ई पी डैश इक्वल एम टू बी, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम आ गया फाइनल मोमेंटम आ गया, ये प्रूफ करना है ये टोटल इनिशियल मोमेंटम टोटल फाइनल मोमेंटम के होगा,
अब इसे हम कुछ करते हैं, ठीक है? इनिशियल मोमेंटम ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। अब देखिए बाय न्यूटन आर्ट लॉ ऑफ मोशन एफ टी इज इक्वल टू माइनस एफ बी। एफ ए इज इक्वल टू माइनस एफ बी, न्यूटन आर्ट लॉ ऑफ मोशन। वी आर रिएक्शन दे रहे हैं इक्वल टू मोशन रिएक्शन। अब एफ ए क्या होगा? एफ ए होगा एफ ए, इसमें जो उसका फोर्स लगाई है उसका क्या होगा? एम वन ए वन, फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इनटू एम होता है, ठीक है? एम वन ए वन। अब माइनस एम टू ए, ठीक है? ये हमारे लिए इक्वेशन आ गई एफ 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 इक्वल टू एफ इज इक्वल टू माइनस एफ से एफ एम वन ए वन माइनस एम टू ए, ठीक है? अब हमें ए वन क्या है, जो बॉल ए में एक्सेलरेशन हुआ और जो बॉल ए बी में एक्सेलरेशन होगा वो होगा ए। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, आदर विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, इट डजंट मैटर। ये पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम दोनों में क्या वेलोसिटी चेंजेस आए वो फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है? By Newton's second law of motion, Newton's second law of motion, force is directly proportional to the change in momentum, the rate of change of momentum. Directly proportional to the rate of change of momentum, rate of time with respect to the delta v is change in momentum. ठीक है, अब हम इसे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव कर देते हैं, मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के से k डेल्टा p ओवर t इज इक्वल टू 1, t की वैल्यू 1 है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1 है, तो आप मिल जाता है f इक्वल टू डेल्टा p ओवर t, ठीक है? ये एक स्टैंडर्ड मिल गया। अब डेल्टा पी क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज डेल्टा पी? अब हम बॉल ए के केस में दिखा लेते हैं, डेल्टा पी ए ये हो जाएगा ई ए डैश माइनस ई ए, ये आपको मिल जाएगा ई ए डैश माइनस ई ए, मतलब कि बॉल ए में कितना मोमेंटम चेंज हुआ। तो बॉल ए का पहली बार में मोमेंटम कितना हुआ था? एम1 वी1, पहले उसका मोमेंटम क्या था? ठीक है, ये हो गया डेल्टा ए, डेल्टा पी, ठीक है? सिमिलरली हम डेल्टा पी बी फाइंड आउट कर लेंगे, ये हो जाएगा पी बी डैश माइनस पी बी, ये हो जाएगा डेल्टा पी बी इक्वल टू एम टू पी टू माइनस एम टू पी टू M2 V2 M2 U, ठीक है? अब ये दोनों इक्वेशन में से हम इसे फर्दर प्रोसेस कर लेते हैं, हमने दो मान लिया ये हो गया V1 माइनस U1, ये हो गया M2 V2 माइनस U2, इसे इसकी जगह इक्वेट कर देते हैं, इसकी जगह इक्वेट कर देते हैं, क्या मिलेगा? डेल्टा पी क्या है? जो हमने निकाला है एम वन
v1 minus u1 equal to delta e cap m2 v2 minus u2 over t. अभी देखिए m1 ये v1 क्या आ रहा है, v1 minus u1 over t ये किसके इक्वल है, a1 के, और v2 minus u2 over t किसके इक्वल है, a2 के. वही वाली फॉर्म आ गई f is equal to m. ठीक है, अब इसे प्रोसेस करेंगे, इसे t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आएगा m1 v1 माइनस m1 u1 या माइनस का साइन माइनस m2 v2 प्लस माइनस प्लस हो जाएगी प्लस m2 u2. ठीक है, m1 u1 माइनस m1 u1 माइनस m2 u2 m2 u2. ठीक है, अब ये माइनस वाले ट्रांसफॉर्म एक तरफ कर लेते हैं और प्लस वाले ट्रांसफॉर्म एक तरफ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये m1 था, ये v1 था, इसे ज़्यादा मुझे याद नहीं, हो जाएगा m1 प्लस m2 v2 और ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2. अब हमने देखा था m1 v1 m2 v2 ये क्या हो गया, और ये था फाइनल मोमेंटम प्लस और बी का फाइनल मोमेंटम, ये किसके इक्वल आ रहा है, और ए का मोमेंटम प्लस और बी का मोमेंटम, मतलब इन दोनों का मोमेंटम कंबाइंड टोटल कंबाइंड मोमेंटम ये pb' के इक्वल होगा, मतलब pb' इन दोनों का मोमेंटम मतलब ये टोटल सिस्टम का मोमेंटम था, जो पहले का मोमेंटम वही मोमेंटम बाद में था. तो ये डेरिवेशन था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. इस मैं सिंपली दो बॉल्स थी जो एक डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था. आइसोलेटेड सिस्टम होने की वजह से इसमें एनर्जी लॉसेस क्या थे, जीरो. बॉल ए का मास था m1, इसका वेलोसिटी v1, बॉल बी का मास था m2, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट, द टोटल अमाउंट ऑफ मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट. ये था प्रूफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या होती है, एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम t is equal to mv, mass per unit kg, also t meter per second. Momentum is equal to kg meter per second. Kg meter per second. Assignment of momentum is kg meter per second. Thank you.